नमस्कार दोस्तों, अगर आपने एक भी वीडियो मेरा देखा है इस तरीके का क्वेश्चन बैंक वाला कि 2017 2019 इस वाला क्वेश्चन ही करके हम लोग को 2022 के परीक्षा में जाना है, तो कौन 2017 और 2019 का क्वेश्चन ही करके हम लोग को एग्ज़ाम में जाना है, तो आप ये बात ध्यान रखें। चाहे तो 2017 2019 का दिखा देते हैं और आप वीडियो को हटा सकते हैं 2017, लेकिन 2019 का क्वेश्चन देख ही लीजिए। तो हम पहले 2019 का हम दिखा देते हैं, पहले देख सकते हैं। ये है, ये साइकोलॉजी है इस साइड दो, और इस साइड देख सकते हैं साइकोलॉजी का। तो ये क्वेश्चन आप पूरा करके जाइए 10, और उसके बाद हम दिखाते हैं 2017। तो 2017 के भी इसी तरीक़ा से चले जाइए, साइकोलॉजी देख रहे हैं हम। तो इस तरीके का यहाँ पर साइकोलॉजी है, तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है 2017 और 2019 का, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये 2017 और 2019 का करके जाइए पूरा। ये आप एग्ज़ाम में बनाकर आइएगा। तो आप प्रूफ देखना चाहते तो वीडियो को देखते रहिए। तो 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2016 छोड़कर 2017 में पूछा गया है, हुआ है, तो वो देख सकते हैं। 2015 का हम देख रहे हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इस साइड है, देख सकते हैं। ये साइकोलॉजी सब्सिडरी है। तो 2000 ये जो पूछा गया था, मानव विज्ञान के अंतर्निरीक्षण विधि के गुणों एवं दोषों का वर्णन करें, न्यूरॉन के प्रकारों की व्याख्या करें, प्रत्यक्षण के गेस्ट मतलब गेस्टाल्टवादी विचार का वर्णन करें, सीखना को परिभाषित करें और इसके स्वरूप को व्याख्या करें, स्मरण में सन्निहित विभिन्न प्रक्रियाओं की विवेचना करें, चिंतन क्या है, सृजनात्मक चिंतन के अवस्थाओं का वर्णन करें, संवेग किसे कहते हैं, संवेग में बाहर शारीरिक परिवर्तन की चर्चा करें, जन्मजात अभिप्रेरक यानी कि इनेट मोटिव्स का वर्णन विस्तार से करें, बुद्धि क्या है, बुद्ध परीक्षण की उपयोगिताएं क्या क्या हैं, व्यक्तित्व क्या है, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करें। तो 2015 का ये देख लिए, अब हम 2017 का देखना चाहते हैं क्वेश्चन। तो इसी तरीका से क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो हम देख ही लेते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी। 2017 के क्वेश्चन देखें तो इसी तरीका से पूछा गया था, जैसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, मानव मस्तिष्क की कार्य एवं कार्यों का वर्णन करें, निरीक्षण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें, इसके गुण और दोषों की व्याख्या करें। फिर यहाँ पर है कि प्रयोगात्मक सबूतों को देते हुए शिक्षण में अभिप्रेरणा की भूमिका पर प्रकाश डालें, स्मृति को परिभाषित करें, सृजनात्मक चिंतन क्या है, संवेग के बारे में था, और इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन देता है। तो आप चाहे तो पूरा पढ़ने के लिए आपको दे देते हैं इस तरीके से 2017 का करके, 2017 के देख लिए। अब 2017 का 2019 में पूछा गया था, 2017 का 2019, तो 2019 का आपको हम दिखा ही देते हैं। 2019 का सब्सिडरी तो यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया, देख सकते हैं ये 2019 का देख रहे हैं, लिख भी देते हैं 2019। तो 2019 ऊपर भी देख सकते हैं, 2019 का हम देख रहे हैं यहाँ पर है 2019। तो इस साइड वो है कि निरीक्षण विधि के गुण एवं सीमाओं की व्याख्या करें, मानव मस्तिष्क की रचना की योजना करें, 2017 ही के जैसा है। संवेग के कैनन वार्ड सिद्धांत का वर्णन करें, मतलब सृजनात्मक चिंतन के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें, बुद्ध परीक्षण की उपयोगिताओं की विवेचना करें, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों की व्याख्या करें, प्रत्यक्षीकरण के गेस्टवादी सिद्धांत की विवेचना करें, शिक्षण से सूझ सिद्धांत की विवेचना करें, शिक्षण में अभिप्रेरणा की भूमिका पर प्रकाश डालें, स्मृति के प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो 2021 में भी उसी तरीका से क्वेश्चन, 2021 2019 क्या 2021 में उसी तरीका से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो देख सकते 2021 के क्वेश्चन हम दिखा ही देते हैं। तो इसलिए आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो 2019 का क्वेश्चन, 2017 का, और 2000 अगर समय मिले तो आप 2018 का भी क्वेश्चन करके जाइए परीक्षा में।
तो आप आराम से पूरा क्वेश्चन बना सकते, ज़्यादा नहीं केवल 30 क्वेश्चन ही बनाना है। अगर बात करें तो देख सकते इसमें टोटल, इसमें भी तो उतना ही है, लेकिन जो क्वेश्चन के हिसाब से बताए हैं देख सकते हैं यहाँ से आप, साइकोलॉजी सब्सिडी है तो ये सब आपको करके जाना है। तो बस, तो ज़्यादा खास नहीं है, बस पूरा पढ़ सकते हैं, मज़ा आता है ये सब सब्जेक्ट पढ़ने में। तो बस आराम से जाइए पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।